आप तो जानते हैं इनके समंदर का हाथी। हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार से जुड़ी एक गर्मा गर्म अपडेट। जी हाँ दोस्तों, हम बताने वाले हैं खिलाड़ी कुमार की आने वाली फिल्म गोरखा के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली थी, पर अभी अपडेट निकल कर आ रही है कि इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं आखिर कब रिलीज होने वाली है ये फिल्म, और साथ ही कौन से स्टार्स फिल्म में अक्षय के साथ नजर आने वाले हैं, और साथ ही फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है। तो दोस्तों, बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अभिनेता अक्षय कुमार एक ऐसे अभिनेता हैं जो किसी भी किरदार को बखूबी निभाने में एक्सपर्ट हैं, इसलिए वो हर साल 4 से 5 फिल्मों में नजर आ ही जाते हैं। ऐसे में अब वो एक और बड़ी फिल्म में नजर आने वाले हैं, जिसका नाम है गोरखा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को फिल्म के नाम से ही पता चल गया होगा कि फिल्म की स्टोरी आर्मी से रिलेट करती है। इसी के साथ आपको बता दें कि फिल्म में अक्षय एक सैनिक का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, और वो किरदार है मेजर जनरल लैन कार्दोजो का। दोस्तों आपको बता दें, 1971 में हुए भारत और पाकिस्तान के युद्ध में लड़ते हुए उनका पैर इंजर्ड हो गया था। उस वक्त इलाज न मिलने की वजह से उन्होंने खुद ही अपना पैर खुकरी से काट कर अपने शरीर से अलग कर लिया था, और उनकी इसी बहादुरी की वजह से उन्हें सेना की तरफ से मेडल भी दिया गया था। मेजर जनरल यान कार्दोजो गोरखा रेजिमेंट से संबंध रखते हैं, इसलिए फिल्म का नाम गोरखा रखा गया है। और खिलाड़ी कुमार फिल्म में यान कार्दोजो जी की भूमिका निभाते हुए और देश के दुश्मनों से लड़ते हुए नजर आएंगे। फिल्म को संजय पूरन सिंह चौहान डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर अब तक कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आई है, पर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में संजय दत्त भी नजर आने वाले हैं। बात करें फिल्म की रिलीज डेट की, तो ये फिल्म इसी साल अगस्त के महीने में रिलीज होने वाली थी, पर अब इस फिल्म को अगले साल 2023 के बीच तक रिलीज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि फिल्म में खिलाड़ी कुमार के साथ कौन सी अभिनेत्री नजर आएंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे इस YouTube चैनल अनकट सिनेमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।